हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डैड टॉकीज। कैसे हो आप सब? मैं हूं एकदम बढ़िया एंड आई एक्सपेक्ट द सेम फॉर एवरीबॉडी वाचिंग माय वीडियो। आज हूं मैं सुपर डुपर एक्साइटेड। सबसे पहले तो आज के दिन के लिए इसलिए भी एक्साइटेड हैं क्योंकि मैं और मेरा यूवी शेयर करते हैं आज हमारा बर्थडे। तो आप गाइस जल्दी से कमेंट करके हमें विश कर सकते हो, वैसे अगर आप करना चाहो तो आई वुड रियली लव दैट। ठीक है, आज हम आए हैं एक बहुत स्पेशल जगह पे, स्वाति हाय। तो बीसी फेरीज पे हम आए हैं, फेरीज एज इन आप देख सकते हो मेरे पीछे, सुबह सुबह हो गई है और हम जा रहे हैं ननाइमो विच इज वैंकूवर आइलैंड, वैंकूवर से। दैट्स गोना बी रियली रियली एक्साइटिंग। गाड़ी हम लोगों ने पार्क कर दी है शिप के अंदर, एक क्रूज के अंदर, विच इज अ प्योर एक्सपीरियंस फॉर अस, अ फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस फॉर अस। से हाय यूवी। हाँ जी फ्रेंड्स, तो हम फर्स्ट डेक पे आए हैं, ऐसे लग रहा है किसी ट्रेन में बैठा हूं, बट आप देख सकते हो काफी सारी सीटिंग है। स्वाति जरा वॉशरूम होके आ रही है, सो फ्रेश होके। तो इतने में मैंने उसको कहा कि चलो लेट्स गो टू द टॉप डेक। तो टॉप डेक के लिए शायद अभी बहुत ज्यादा ठंड है बाहर, मतलब क्योंकि बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है, तो थोड़ा जैकेट ओवर कोट्स वगैरह लेके आए हैं, तब ऊपर जाएंगे। मतलब आई एम फीलिंग स्टिल ओके, लेट्स सी कि आज सनशाइन आती है कि नहीं आती। तो काफ़ी शांत माहौल है अभी, मेरी शायद आवाज़ बहुत तेज़ आ रही है। शांत माहौल इसलिए है क्योंकि इट्स लाइक लिटरली 6:30 इन द मॉर्निंग। 3 साल हो गए कनाडा में, इतनी सुबह मैं कहीं नहीं गया। ठीक है जी, तो दिस इज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस, आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर दिस ट्रिप एंड लेट्स सी। हाँ जी फ्रेंड्स, तो फाइनली हमारी जर्नी हो गई है स्टार्ट और यूवी को मिल गया कुछ इंटरेस्टिंग। यहाँ है किड्स जोन ऑन अ शिप, विच इज वाओ। किड्स जोन में 2-3 झूले हैं, मतलब एटलीस्ट बच्चे कुछ कर सकते हैं, विच इज वाओ। यहाँ पे इतना अच्छा अरेंजमेंट है हर चीज का, अरेंजमेंट एज इन बहुत अच्छी कंफर्टेबल सीट्स हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हो। वर्क स्टेशन बने हुए हैं, फोन चार्जिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इजिली सब कुछ कर सकते हो। बस आपके पास ऑब्वियसली चार्जर केबल्स और ये सब होना चाहिए, विच इज अमेजिंग। सो इतना कन्वीनियंट मैंने देखा नहीं कभी भी। But it's my first experience in Canada doing all this, but I'm pretty happy. ठीक है जी, तो अब ऊपर वाले डेक पे जाके मैं आपको जबरदस्त कुछ व्यूज दिखाने वाला हूँ, वो मैं सब कुछ करूंगा कैप्चर। तो जल्दी से जाता हूँ ऊपर वाले डेक में एंड लेट्स सी हाउज द व्यू। गाइज ये मिल गया हमें स्टेयरकेस टू द अपर डेक। आई एम नॉट श्योर ज्यादा लोग होंगे ऊपर के, बट चेक दिस आउट गाइज। आ जाओ यूवी। Check this out, guys. Check this out, guys. हाँ जी guys, तो हम आ गए डेक पे। Guys, मैं बहुत ही एक फैंसी सा ट्रैक सूट पहन के आई थी, बट जबरदस्त ठंड है एंड इट्स मतलब अच्छा, इट्स वेरी विंडी और आप मेरे पीछे के ब्यूटीफुल सीन्स देख सकते हो। वाओ वाओ वाओ, मैं तो भाई दिस इज माय लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। मैंने क्रूज के सपने तो भाई जरूर लिए थे, बट मैंने इसके सपने भी लिए थे कि पहली बात वो क्रूज होने वाला है कनाडा में, दूसरी बात मैं अपनी गाड़ी को भी क्रूज के अंदर लेके जाऊंगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। मतलब सबसे अच्छी बात है कि मैं खुश हूं। पहले हम सोच रहे थे कि 6:25 ना बहुत जल्दी हो जाएगा, बट ट्रस्ट मी गाइज अगर हम थोड़ा लेट आते ना तो ये जो ब्यूटी है ना ये हमें दिखती नहीं, तो ये जो सीन्स है ना ये हम मिस कर देते फॉर श्योर। तो अब इस सीन्स को हम कर रहे हैं एंजॉय। आप भी देखो यहाँ की ब्यूटीफुल, फिर कोई अनाउंसमेंट हो रही है, मुझे बहुत डर लग रही है। आपको लग रही है? नहीं लग रही। ये है मेरा बर्थडे बॉय गाइज, और ये देखो आपके लिए प्यारा सा व्यू। गाइस सुबह आने का सबसे अच्छा फायदा पता है क्या है? मेरे पीछे देखो सनशाइन, पता नहीं आपको दिखेगी कि नहीं, मैं कैमरा घुमा के जल्दी से दिखाता हूँ। ये जो सीन है ना गाइस, ये सुबह 6:25 पे ही दिख सकता था। आप देखो सन इज राइजिंग और अमेजिंग हमारे ब्रिटिश कोलंबिया की, इतनी जबरदस्त हवा है और सब कुछ हिल रहा है हाथ में पकड़ के, इट्स क्वाइट ब्रिलियंट। इनसे मिलो मैडम से। हेलो सर।
Swati. Hi, Yuvi. आप देखो गाइस कितना अच्छा लग रहा है ये सीन. Aren't you enjoying? Aren't you enjoying, guys? Guys, ये कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि कैसा लग रहा है आपको ये मजेदार सीन. Guys, thanks to God, उसने हमें कनाडा भेजा और ये ब्यूटीफुल सीन मैं विटनेस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ना कसम से नहीं सोचा था. और इतना अच्छा लग रहा है मुझे फ्रॉम विद इन. मैं अपनी ऑब्वियसली क्लोजेस्ट फैमिली के साथ हूँ, बट मैं अपने पेरेंट्स को इतना ज़्यादा मिस कर रहा हूँ कि अगर पापा मम्मी भी यहाँ होते ना, बाई गॉड मज़ा आ जाता. एंड आई रियली विश कि जब भी वो कनाडा आए जल्दी से जल्दी हम ज़रूर आए इस ट्रिप पे दोबारा. मतलब once in a lifetime experience hai guys. I'm feeling so happy and so blessed ki I am witnessing this beauty of nature. Aur nature se banke pata kuch nahi hota, sab cheeze aise lagta hai ki alag ho gayi hai, sab matlab sab kuch chhota hai is beauty ke aage. It's so mesmerizing and it's so nice and so soothing. So main enjoy kar raha hu isko guys, aur sath ke sath hum thode thode clips banate hain bas, so that you guys also enjoy jahan se bhi is video ko dekhe dekho aap log, aur aap canada ko enjoy kar sakte ho acche se is scenic beauty ko for my viewers. theek hai ji, chalo ab main thoda sa enjoy karta hu, thoda sa kuch coffee shop bhi lete hain, alag hi maza hoga yahan pe khade hokar deck pe coffee peene ka bhi nahi. ye dekho guys, cold drink chahiye, baked goods chahiye, सब कुछ अवेलेबल है. फ्रूट्स चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, पूरा इंग्लिश स्टाइल, नॉट इंग्लिश स्टाइल बट हाँ कैनेडियन स्टाइल खाना अवेलेबल है. सॉसेजेस, एग्स, बेकन, काफ़ी अच्छी सीटिंग है, काम सा एनवायरनमेंट है. और ये सुबह आने का बहुत बहुत फ़ायदा हुआ है कि रश नहीं है ज़्यादा, और देखो साफ सफाई पूरी मस्त है. हेलो गाइस, हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है. स्वाति हाय. What's the breakfast? ये मेरा एक westerly sandwich है, like egg and ham in it. ये hash brown. ये baked potatoes हैं, चाट वाले आलू जिसे हम बोलते हैं. और क्या क्या है स्वाति? We have a bagel with butter and we have a hot chocolate and orange juice. Breakfast हमने थोड़ा बहुत light सा कर लिया और बहुत tasty था. Bagels और तो मेरा सैंडविच था वेस्टर्ली सैंडविच, वो भी बहुत अमेजिंग था. एक ये हॉट चॉकलेट कॉफ़ी मैंने ली है, यही सबसे सेफ ऑप्शन थी क्योंकि ब्लैक कॉफ़ी वगैरह तो मैं पीता नहीं. ठीक है जी, तो अब बहुत ही अमेजिंग ट्रिप रहा अभी तक. तो हम ननाइमो पहुंचने वाले हैं और 10 से 15 मिनट के अंदर, उसके बाद वी विल एक्सप्लोर ननाइमो आइलैंड. देखते हैं कहाँ कहाँ जाएंगे. जी गाइस, तो मैं हूँ एक बहुत ही प्यारी सी जगह पे, इसको बोलते हैं नेक पॉइंट पार्क. ऐसा क्यों बोलते हैं उसकी हिस्ट्री तो मैंने जानी नहीं, बट दिस इज़ अ प्लेस वेयर आई एम. गाड़ी पीछे पार्क कर दी है और स्वाति और यूवी गए हैं सो, तो मैंने सोचा मैंने अभी एक कॉफ़ी ली थी तो उसको इंजॉय करूँ. कॉफ़ी अभी भी सिप सिप करके पी रहा हूँ, वहाँ रखी है बेंच पे. और आप मेरे पीछे ज़बरदस्त सीन देखो गाइस, इट्स ब्यूटिफुल. सन बिल्कुल ऐसे लग रहा है मैं बीच कहीं कहूँ ना प्यारे पे, जो सीन था ना अगर आपने वो मूवी देखी है बीच पे, वो जो ऋतिक रोशन फंस जाता है, कोई नहीं होता दूर दूर तक, सिर्फ समुंदर दिखता है थोड़ा सा और ऊपर ब्राइट सनशाइन और इधर जंगल मेरे पीछे. बिल्कुल वही फील आ रही है मुझे कि मैं ऐसी ही किसी जगह पर पहुँच गया हूँ. ये है ब्यूटिफुल ननाइमो आइलैंड गाइज, और प्लान सिर्फ इतना है कि पूरे दिन बहुत आराम से काम डाउन होके, टेंशन फ्री, सारी टेंशनों को साइड रख के एक अच्छा टाइम स्पेंड करें, और यही मोटो है आज का. तो बहुत मज़ा आ रहा है इस बढ़िया सी चीज़ को मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, विच इज़ वाओ. एंड आई होप इस वीडियो के थ्रू आप लोग भी इसको अच्छे से अच्छा एक्सपीरियंस करोगे और देखोगे कितना ब्यूटिफुल है एक्चुअली ब्यूटिफुल साइड ऑफ कैनेडा, या स्पेशली ब्रिटिश कोलम्बिया. और ये ऐसी जगह है जहाँ से पूरे कैनेडा में लोग आते हैं वेकेशंस बनाने, स्पेंड करने के लिए. और हम काफ़ी लकी हैं, थैंक्स टू गॉड फॉर दैट, कि हम ब्रिटिश कोलंबिया में ही रहते हैं, विच इज़ ग्रेट. ठीक है जी, तो मैं इन्जॉय करता हूँ इसको अपनी कॉफ़ी के साथ. दिखाता हूँ कॉफ़ी, हॉट चॉकलेट ली थी ना मैंने, वही चल रही है.
कॉफी मैं इंजॉय करता हूँ और जल्दी से आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। हम कहाँ कहाँ घूमेंगे वो सब मैं थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स आपको दिखाता रहूंगा। गाइस, हमारा लड़का छोटा सा क्लाइम कर गया ऊपर, बट बहुत अच्छी बात ये है कि इसने ये खुद किया। देखो गाइस कहाँ से आया है ऊपर। वाओ, हाइट पे आ गए हैं भाई लोग। और अब आप जरा सीन देखो, 360 घूमने की कोशिश करता हूँ धीरे धीरे। बहुत बहुत जबरदस्त ब्यूटीफुल सीन है। वी आर एट दी, लाइक आई सेड, नेक पॉइंट पे हम हैं और जबरदस्त ब्यूटीफुल सीन्स। हाँ जी गाइस, तो हमारा नेक पॉइंट तो हो गया खत्म। हम थोड़ा यहाँ से जा रहे थे दूसरी किसी जगह पे, बट रास्ते में हमें मिल गया कितने सारे यूवी के स्विंग्स। और अब मैं यूवी को यहाँ पे ले आया हूँ और उसके बाद थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूंगा यूवी के साथ एंड विल हैव अ लॉट ऑफ फन। स्वाति गाड़ी में बैठी है और यूवी और मैं मस्त कर रहे हैं एंजॉय। देखो यूवी, से हाय यूवी। वो आ रहा, दिख रहा आपको यूवी पीछे, ये रहा। ठीक है जी, चलो थोड़ा सा फन करते हैं बच्चों के साथ एंड लेट्स एंजॉय। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, यू वी विल डेफिनेटली हैव अ गुड टाइम, आई नो दैट। गाइस देखो नानाइमो में हमें क्या क्या मिल गया है। दिस इज सो नाइस, लुक्स वेरी यमी। इसके लिए मुझे 20 मिनट वेट करना पड़ा, बट फाइनली यू नो कि छोले भटूरे जो हैं वो मिल गए चटनी प्याज के साथ। और ये मैं आया हूँ इस रेस्टोरेंट में, मैं आपको दिखाता हूँ, करी पॉइंट, और ये है ननाइमो में। ठीक है जी, तो ये हम आए हैं और स्वाति गाइस टेस्ट कर रही है इसको। स्वाति कैसे हैं यार, खा के बता जरा। क्रॉस्ड फिंगर्स। ओके, रिपोर्ट है। डेस्टिनेशन गाइस होने वाली है माफियो सटन पार्क। ये भी ननाइमो का एक बहुत फेमस डेस्टिनेशन है जहां पे अब हम जा रहे हैं। और अचानक से हम सोच रहे थे थोड़ा ठंडा होगा मौसम, बट टू आर सरप्राइज एकदम क्लाइमेट चेंज हो गया है और अब बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। तो अब ऐसा लग रहा है कि यार गाड़ी में बैठ जाए जल्दी से, एसी ऑन कर लें और भागें। तो अब जल्दी से चलते हैं वहां का माहौल देखते हैं क्या है सटन पार्क का। वहां पे देखा है कि बच्चों की काफी राइड्स हैं, इट्स अ वेरी नाइस पार्क। और शायद शाम के टाइम में हम ननाइमो डाउनटाउन भी जाएं, तो लेट्स सी हाउ इट गोस। और बोट राइड भी, बोट राइड का कह नहीं सकते, अगर टाइम मिला तो विल गो, एल्स विल सी। तो फिलहाल हम जाने वाले हैं सटन। सुबह से भागते दौड़ते पापा और बेटा गए हैं थक, है ना पुपी, थक गए ना आज। पुपी ने माउंटेन्स भी चढ़े, आज ग्राउंड में भी खेल रहे हैं और हम इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा के बीच में बैठ गए हैं, बहुत सारा प्ले करके पुपी अब थक गया है ना भाई। तो अभी हम थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं गाइज, उसके बाद हम लोग निकलेंगे शाम की हमारी फेरी। तो तब तक अभी तो सूदिंग, अब थक गए हैं थोड़ा ऑनेस्टली। तो इतना बढ़िया पार्क है ना ये सटन पार्क, जहाँ मैंने कहा था आपको हम आएंगे, और इतना रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट तो यार मुझे स्टैनली पार्क में भी नहीं मिला, वैंकूवर में जो था, सच बताऊं। इतनी प्यारी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मज़ेदार क्लाइमेट है और मज़ेदार ब्यूटी है। ठीक है, ऐसे शायद होता है कि जब हम किसी नई जगह जाते हैं तो उससे ज़्यादा प्यार हो जाता है, अगर यहीं रहूं तो इसके भी प्रोज एंड कॉन्स पता लगेंगे तो वो बात अलग है। बट ठीक है, अभी के लिए एक दिन के हिसाब से अमेजिंग। ये देखो क्या कर रहा है। हेलो यूवी, से हाय। लग रहा है ना स्मार्ट बॉय। हाँ जी फ्रेंड्स, शाम के बज गए हैं 6 और हम लोग हैं अभी एक टिम हॉटन्स के पार्किंग में और ज़बरदस्त थक गए हैं यार। अब इतना थक गए हैं कि मतलब हम थक गए हैं तो यूवी का क्या हाल हो रहा होगा। यूवी भी सुबह 4 बजे से लिटरली उठा हुआ है और शाम के बज गए हैं 6। तो वैसे तो बर्थडे वाला दिन है, बट अभी बर्थडे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है रेस्ट। और यूवी एकदम टायर्ड हो गया बुरी तरीके से, इनफैक्ट इतना टायर्ड कि उसकी आंखों से भी आंसू आ रहे हैं, बिकॉज ही नीड्स टू स्लीप। और जैसे तैसे मैंने कार सीट वगैरह रिमूव करके उसको सुलाया है स्वाति और मैंने, अभी वो सो रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। तो मैंने सोचा जल्दी से अब मैं व्लॉग की एंडिंग कर दूँ, क्योंकि अब मैं भी बहुत ज़बरदस्त थक गया हूँ। अब से 2-2.5 घंटे बाद हमारी वापस से क्रूज है, या फेरी कह लीजिए, है टूवर्ड्स वैंकूवर अगेन। और मस्त रहा आज का ट्रिप, बहुत अच्छा रहा, मज़े आ किए। यूवी ने ट्रैकिंग करी,
माउंटेन्स पे छोटे छोटे पीक्स थे वहाँ पे, ऐसे ऐसे चढ़ रहा था खुद भी, मैं कहता मुझे हेल्प नहीं चाहिए और मैं खुद ट्राई करूँगा हेल्प यू नो चढ़ने की, विच वॉज अ ग्रेट थिंग। तो मज़ा आ गया मुझे उस चीज़ को देख के, काफ़ी इन्जॉय किया, ब्यूटिफुल सीनिक व्यूज़ थे ननाइमो में, वी हैड ग्रेट फन। वैसे आइडियली हमें अभी तक घर चले जाना चाहिए था, अगर हमें सुपर टायर्ड नहीं होना चाहिए था, बट नहीं होना था तो, बट हम अब हो गए हैं टायर्ड। फाइनली इस ब्लॉग को करते हैं एंड गाइज, ये था हमारा बर्थडे वेंट आउट कह सकते हो, कि हमने पूरा दिन कैसे स्पेंड किया, क्या क्या किया अपने बर्थडे ओकेजन पे, अपने और यूवी के बर्थडे ओकेजन पे। वी केम टू दिस लवली प्लेस कॉल्ड ननाइमो, इट वॉज वंडरफुल। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो गाइज तो डेफिनेटली गिव इट अ बिग थम्स अप, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम पूरी कोशिश करते हैं, मैं पूरी कोशिश करता हूँ, स्वाति पूरी कोशिश करती है कि आप तक बेस्ट कंटेंट लाएं जिससे आपको मज़ा भी आए और कुछ सीखने को भी मिले और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी पता लगें जहाँ पे भी हम रहते हैं, जो कुछ भी हम दिखाते हैं। ठीक है जी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम यू गाइस टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बी सेफ एंड बी वेरी वेरी हैप्पी। ठीक है जी, दिस इज अमिश साइनिंग ऑफ वंस अगेन फ्रॉम डैड टॉकीज। सी यू अंटिल आई पोस्ट अनदर वीडियो गाइस, टेक केयर, बाय बाय।